हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। सो गाइस, आज के वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इस वीडियो में हम सेकंड और फोर्थ पार्ट करेंगे, बिकॉज़ जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके फर्स्ट और जो थर्ड पार्ट है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी करा दिए हैं। तो इस वीडियो में सेकंड और फोर्थ पार्ट पर फोकस करेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट है 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2। अब इसमें करना क्या है, हमें दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और हमें इसे सॉल्व करना है, एक बार एलिमिनेशन मेथड से और एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। सो हम इसको पहले एलिमिनेशन से, फिर सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड दिखाऊंगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे डाल देता हूँ, ये हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। 3x + 4y = 10, ये है 2x - 2y = 2। अभी यहाँ पे ना ही तो x इक्वल है और ना ही y के टर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम y के टर्म्स को देखें, तो अगर मैं इसे यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो y के टर्म्स इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4x - +4y = -4। ये था, इसे अब हम इरेज कर देते हैं, जो हमारी इक्वेशन थी पहले वाली उसे इरेज कर देंगे। 3x + 4y = 10 या अब देखिए साइन दोनों के सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये फिर से पॉजिटिव, ठीक है। सो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गई हमारे पास, अब दोनों पॉजिटिव आए तो ऐड हो जाएंगे 7x = 10 और ये आ जाएगा 14, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है तो ये भी ऐड हो जाएंगे। अब 7 से 14 कैंसिल होगा 2, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई सिंपली। अब मैं इस यहाँ पे लिख लेता हूँ x = 2। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू 2 आ गई, 3x + 4y = 10 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, सो 3 × 2 + 4y = 10, सो ये आ जाएगा 4y = 10, 3 × 2 = 6, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, सो 4y = 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 पे, सो y की वैल्यू आ गई 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ y = 1, ठीक है। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारे पास है 1, अब देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यू आती है, चलिए देखते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, 3x + 4y = 10 ये फर्स्ट इक्वेशन है, इससे हम x की एक वैल्यू बना सकते हैं, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 - 4y / 3, पुट दिस वैल्यू इन जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसमें, क्या है सेकंड इक्वेशन 2x - 2y = 2, ये सेकंड इक्वेशन है, x की वैल्यू पुट करेंगे सो 2 × 10 - 4y / 3 - 2y = 2, दो फ्रैक्शंस आ गए हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, सो इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 × 3 या जाएगा 20 - 8y और 1 × 3 = 2 - 6y = 2। अब यहाँ पे 3 डिवाइड में = 2 से इस साइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6, ठीक है, और ये आ जाएगा -8y और -6y -14y हो जाएंगे, और माइनस 20 को इधर पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव, सो 6 में से अगर 20 माइनस करेंगे सो -14 आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल होगा 1 पे, y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 आ गई हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन सॉरी वैल्यू में
पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 और y की वैल्यू 1 अपॉन 3, तो आ जाएगा 4 वंडा 4, 10 में से 4 गए तो आ जाएगा 6 अपॉन 3, 3 टू 6, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू हमारी आई थी 1। सेम यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया है और सेम यही एलिमिनेशन मेथड से। सो इट मेक सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे 4, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट ये प्रूव हो गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सेम आंसर आया है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखिए यहाँ पे हमें सही तरीके से ये इक्वेशंस जो है ये देने हैं। सो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 सो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू माइनस 1 और 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 इनटू माइनस 1 माइनस 6, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे 1 सो एलसीएम आ गया 3, 1 3 जा 3x और 3 1 जा ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। अब 3x माइनस y 3 इंटू 3 आ गया 9, जो कि हमारी है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमने इसे बना लिया, अब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास। अभी देखिए मैं पहले करता हूँ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में अभी हमारे पास x के जो टर्म्स है वो इक्वल है, साइन सेम है, सो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यह आ जाएगा 5y एंड इज इक्वल्स टू 9 और 6 15 साइन नेगेटिव। अब 5 से 15 को कैंसिल करेंगे 3 पे, सो y की वैल्यू आ गई माइनस 3, इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9, ये सो 3x माइनस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, सो 3x इज इक्वल्स टू 9। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, सो यहाँ पे पॉजिटिव इधर आके फिर से ये नेगेटिव, सो 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6, 3 से कैंसिल करेंगे 2 पे, सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, ठीक है। y की वैल्यू माइनस 3 और x की वैल्यू 2, सिंपली ये आ गई हमारी। ये था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ, x की वैल्यू हमारी माइनस 2 है, सॉरी पॉजिटिव 2 है, y की है नेगेटिव 3। सो फिर वही दो इक्वेशन है हमारे पास और इनसे अब हमारा मेथड रहेगा सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व करना है सेम वही जैसा हमने पिछले पार्ट में किया। सबसे पहले इसे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9 है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस y अपॉन 3, x की वैल्यू हमारे पास आ गई ये, ठीक है। सो पुटिंग वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि सेकंड से हमने वैल्यू बनाई है x की, सो इसे फर्स्ट में पुट करेंगे, जो कि है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6, सो 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 9 प्लस y अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6। आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 आ गया, 3 1 जा 3 ये आ जाएगा 27 प्लस 3y एंड प्लस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 6। अब 3 को इस साइड लेके जाएंगे सो ये आ जाएगा माइनस 18, माइनस 18 आ गया। अब इधर ये 27 पॉजिटिव है, इधर लेके जाएंगे सो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, सो इस 27 को यहाँ से हटा देते हैं, ये दोनों पॉजिटिव है, ऐड होके आ जाएंगे हमारे 15y बिकॉज 12 और 3 15। अब माइनस 18 और माइनस 27 कितना होगा माइनस 45, अब 15 से इसे कैंसिल करेंगे सो 3 पे होगा, y की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब ये तो प्रूव हो गया कि y की वैल्यू हमारी माइनस 3 आ गई है,
एक्स की वैल्यू में इसे पुट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई इज इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। सो अब एक्स इज इक्वल्स टू नाइन, वाई की वैल्यू थ्री थी, प्लस थ्री अपॉन थ्री, एक्स इज इक्वल्स टू नाइन और थ्री, सॉरी माइनस थ्री आई थी, सो माइनस थ्री यहाँ पे पुट करेंगे, नाइन माइनस थ्री आ गया सिक्स अपॉन थ्री, सो थ्री टू जा सिक्स, तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू टू। सो सेम वही सब्सटीट्यूशन से आई है और सेम वही एलिमिनेशन मेथड से हमने जब सोल्व किया तब आई है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।